नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर, आज आईपी यूनिवर्सिटी ने एक सीयूईटी के लिए स्पॉट राउंड 2 का नोटिस डिक्लेयर किया है। सो इसके बाद से मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आए होंगे और इसके अलावा भी आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या भैया सीईटी वाले बच्चों के लिए स्पॉट राउंड 2 नहीं हो रहा है, जो वो कोर्सेज बच गए थे उनके लिए। सर, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो भाई, ये तो डाउट आप लोगों के मन में आना बनता ही है कि भैया सीईटी वाले बच्चों का भी स्पॉट राउंड 2 आने वाला है अब, और सीईटी वाले बच्चों का स्पॉट राउंड 2 हो ही नहीं रहा है। तो ये कैसा, मतलब क्या सिस्टम का रखा आईपी यूनिवर्सिटी ने, और क्या स्पॉट राउंड 2 नहीं होगा, सिर्फ सीयूईटी वाले बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं या उनके साथ मर्ज कर रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो नोटिस आया अभी सीयूईटी स्पॉट राउंड 2 का, इसके बारे में। सो आईपी यूनिवर्सिटी ने दोबारा से रीओपन कर दिया उनके सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन। अगर किसी बच्चे को सीयूईटी में रजिस्टर करना था सो वो अभी भी कर सकता है 3 अक्टूबर तक। सो 3 अक्टूबर तक जिन जिन बच्चों को अभी अप्लाई करना है स्पॉट राउंड 2 के लिए आईपी यूनिवर्सिटी के, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीयूईटी वाले बच्चे। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है सिर्फ सीयूईटी वाले बच्चों के लिए राउंड होगा, और स्पॉट राउंड 1 जो आप लोग है वो चल ही रहा है, उसकी काउंसलिंग वगैरह चल ही रही है। काउंसलिंग कैसे चल रही है वो आप लोगों को ऑफलाइन बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो उसके नोटिसेस लगातार निकल रहे हैं, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से जाते रहिए जब जब आपको बुलाया जाएगा। इसी के अलावा आईपीएनओसी ने एक चीज मेंशन करी है कि जिस बच्चे ने भी 18 सितंबर के बाद अप्लाई किया है उसको स्पॉट राउंड 2 के अंदर माना जाएगा, और जिस बच्चे ने 18 सितंबर से पहले कर दिया था उसको स्पॉट राउंड 1 के अंदर माना जाएगा। और ये स्पॉट राउंड जो है ना, कि सारे सीयूईटी के स्पॉट राउंड है, ठीक है। सीईटी का स्पॉट राउंड अलग चल रहा है, जिन बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया उनके लिए सब कुछ अलग से हो रहा है। सो इसके लिए दोबारा से 29 कोर्सेज हैं, आप लोग 3 अक्टूबर तक 2500 रुपए देकर स्पॉट राउंड 2 ऑफ सीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सीईटी वाले बच्चों का कि उनका स्पॉट राउंड 2 कब होगा, जो कोर्सेज बच गए थे उनका, सो भाई देखो, आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि स्पॉट राउंड 2 जरूर होगा। वेकेंट सीट्स बहुत सारी रह गई है, क्या यूनिवर्सिटी सीईटी के थ्रू भर लेगा? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, चांसेस कम थे मास्टर कोर्सेज के कि उनका स्पॉट राउंड 2 होगा नहीं होगा, उनके चांसेस बहुत कम थे। अगर उनके अंदर हो रहा है, भाई एमबीए का स्पॉट राउंड 2 कराया, बीटेक का स्पेशल स्पॉट राउंड करा रहे हैं, थर्ड राउंड करा रहे हैं, ठीक है, लॉ का भी स्पॉट राउंड 2 करवाया था, सो इतने सारे कोर्सेज का करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो बचे हुए कोर्सेज हैं या फिर मेन कोर्सेज बीबीए, बीकॉम, बीजेएमसी, बीसीए, इनका तो स्पॉट राउंड 2 बनता ही बनता है। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विड्रॉल की डेट्स भी आएगी अभी और स्पॉट राउंड 2 भी आएगा। ये भी हो सकता है वीडियो आज मैं अभी जब डालूंगा तो उसी के आसपास आईपीएनओसी रात में ही कोई नोटिस लॉन्च कर दे, या फिर कल तक भी नोटिस आ सकता है। तो स्पॉट राउंड 2 सीईटी का आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसी नोटिस आएगा मैं वीडियो बना दूंगा और आगे की आप लोगों की चॉइस फिलिंग में हेल्प करूंगा। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस लेने की जरूरत है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बिल्कुल इतना ही, धन्यवाद।